जजमान, मैंने दोनों की कुंडली पढ़ ली है। कल इसी समय का मुहूर्त बहुत अच्छा है। विकी कहाँ है? आ बेटा, कल का मुहूर्त मंगनी के लिए बहुत अच्छा है। बहुत जल्दी नहीं हो रहा डैड? ये क्या कह रहे हो बेटा? तुम्हारे जाने से पहले मंगनी हो जाए तो अच्छा नहीं है क्या? आपको याद है ना डैड, आप मुझे 10 दिन का वक्त देने वाले थे। आपने तय कर लिया और आपने मेरी पसंद के बारे में पूछा तक नहीं। ये क्या मजाक है? क्या तुम्हें प्रिया पसंद नहीं? ये मुझे पसंद है, लेकिन हम एक दूसरे का साथ निभा नहीं पाए। हम दोनों की दुनिया एक दूसरे से अलग है। अगर साथ रहना है तो या तो उसे अपनी दुनिया छोड़नी पड़ेगी या फिर मुझे अपने सपनों को भूलना पड़ेगा, और मैं ऐसा कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकते? उसने तो तुम्हारे लिए अपने डांस तक को कुर्बान कर दिया। यही तो मैं नहीं चाहता डैड। वो मेरी वजह से अपनी जिंदगी के मायने क्यों बदले? मायने बदलने के बाद भी वो दुखी नहीं होगी? बताइए क्यों नहीं होगी दुखी? जिस डांस की वो 20 साल से प्रैक्टिस कर रही है उसे छोड़कर दुख नहीं होगा? जिस कुत्ते को इतना प्यार करती है उसे छोड़कर दुख नहीं होगा? ये मॉडर्न ड्रेस नहीं पहनती, मीट नहीं खाती क्योंकि इसे पसंद नहीं है। मेरी खातिर इसे सब करने की क्या जरूरत है? अभी ये सब ठीक लग रहा है, लेकिन शादी के बाद क्या? इसे अपनी दुनिया बेहतर लगी तो? प्रिया, तुम खुद सोचो, जो तुम्हें बदल कर प्यार करे वो सही है, या तुम जैसी हो तुम्हें वैसे प्यार करे वो सही है? हर लड़की की दुनिया उसकी शादी से पहले अलग होती है विकी, लेकिन उनमें से कितनों की दुनिया इतनी खूबसूरत होती है? समझौता करने के लिए आज ये तैयार है, पर शादी के बाद ये कभी खुश नहीं रह पाएगी। क्यों? समझौता करके क्या हम लोग खुश नहीं है? ऐसे खुश नसीब लोग बहुत कम है डैड। आपके टाइम की बात अलग थी, जिंदगी तेजी से बदल रही। सुबह घर से निकलते हैं तो पता नहीं होता कि किस वक्त लौटेंगे। आजकल एक पूरे दिन में पति पत्नी एक दूसरे के साथ 2 घंटे से ऊपर नहीं बिताते। मैं कहता हूं उन 2 घंटों के लिए भी कोई समझौता क्यों करें? मैं आप लोगों से ये नहीं कह रहा कि आप मेरी तरह से सोचें, लेकिन मैं ऐसे ही सोचता हूं। फिर चाहे मेरी सोच सही हो या फिर वो गलत। बेटा, ये क्या कह रहा है? पहले तूने कहा कि वो तुझे बहुत पसंद है, अब तू इनकार कर रहा है? मुझे तो ताजमहल भी पसंद है माँ, लेकिन मैं उसे अपने घर में लाकर सजावट का सामान नहीं बना सकता। I'm sorry, Priya. We are not made for each other. मुझे लगा वो तुम्हें मजाक में छेड़ रहा है। अगर मुझे जरा भी पता होता कि वो इतना बुरा है तो मैं कभी उससे ये सब चीजें नहीं लेता। आई एम रियली सॉरी दीदी। बेटा प्रिया, कुछ यादें हमें खुशी देती है और कुछ यादें हमें दुख देती है। ये तो हम पे निर्भर करता है ना कि हम क्या याद करें और क्या भूलें। क्या डैड, आप दोनों इस तरह क्यों दुखी हो रहे हैं? मुझे जानते हैं ना आप लोग। यही तुम्हारी गलत फहमी थी, इसीलिए तो तुम्हारी तरह सोचने वाली नहीं बल्कि तुम्हारे लिए सोचने वाली लड़की चुनी थी। डैड, मैं जानता हूं ऐसी सोच रखने वाली लड़की मत चुनना, कभी नहीं मिलेगी, और मिल भी गई तो कभी खुश नहीं रह पाओगे तुम। समझ में नहीं आता कि मैं उस लड़की के साथ खुश क्यों नहीं रहूंगा जो मेरी तरह सोचती, पर यह बात डैड कभी नहीं समझ सकेंगे, इसलिए उनसे बहस करना बेकार है। खैर,
मुझे ये सब भूल के अपने लक्ष्य को पाना है और अपने सपनों को साकार करना है। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग? अरे अपना नया ऑफिस कैसा है? बहुत ही सुंदर। हाँ, सो देखेंगे अपने न्यू बॉस। तू भी ना। हाय। अभी तक बैग लेके यहाँ वहाँ भटक रहे? तुम्हें कोई बकरा नहीं मिला क्या? उम्मीद भी बहुत कम है। जब तक तुम जवान लोग अपने जीने का रवैया नहीं बदलोगे, अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो एडजस्टमेंट करना सीखो। सक्सेस पाने के लिए मैं खुद को बदलने, झुकने और गिड़गिड़ाने में विश्वास नहीं करता। अपने अंदर कुछ खास होना चाहिए जिसकी दूसरे को जरूरत हो। इट्स दैट सिंपल। अगर मैं श्री के सामने झुक जाता जैसा कि आप चाहते थे तो अभी तक उसके साथ गोल्फ खेल रहा होता, पर मैंने समझौता नहीं किया, इसलिए आज उससे भी बड़ी कंपनी में ऑफर है। इस बेवकूफ ने तुम्हें ये ऑफर दिया? क्यों, उसे नौकरी से निकालना है? उस पर दया आ रही है। वन मिनट, आप जा सकते हैं, मेरा ऑफिस तो आ गया। हाय विकी। हाय। हाय डैड। डैडी, आप विकी को पहचानते हैं? दुबे सर। Oh God! राजन को जरा बुलाओ। वो अब तक आया नहीं है, मुझे बताइए ना क्या चाहिए। विकी को किसने सिलेक्ट किया? उसे मैंने सिलेक्ट किया। नहीं नहीं, मैंने तो भावना को मना किया था, पर उसने मेरी एक नहीं सुनी। सर, देखो मुझे तुमसे अर्जेंट बात करनी है, जल्दी मेरे केबिन में आओ। राजा, विकी और उसकी टीम को निकाल दो, उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन सर, अगर उन्हें बिना वजह निकाल दिया तो लीगल प्रॉब्लम हो सकती है। क्या लीगल लीगल कर रहा है? मेरे ऊपर 100 से भी ज्यादा केसेस चल रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? केस की बात नहीं है सर, कंपनी की इज्जत की बात है। क्या इज्जत की बात करते हो? क्या मैं इज्जत से नहीं जी रहा हूँ? शट अप। उसे कहो कि अपना रवैया बदले, अगर वो नहीं माने तो लीगल डिपार्टमेंट से बात करके उसे निकाल दो। ओके सर। अब तुम जा सकते हो। राजा। जी सर। इसे देखकर मेरे सिर में दर्द होता है, इसके इंडिया जाने का बंदोबस्त कर। ओके सर। जीजा जी। हेलो। हाय, मैं जोज हूँ, कैडबरी कंपनी से बोल रहा हूँ। तुम विकी हो? हाँ। क्या तुमने कैडबरी मेड फॉर ईच अदर कॉन्टेस्ट के फॉर्म को भर के हिस्सा लिया था? हाँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस, 6.5 लाख एप्लीकेशन में से आप विनर चुने गए हैं, एक ऐसी लड़के के साथ जिसकी पसंद आपसे मिल रही है। क्या 6.5 लाख लोगों में एक लड़की है जो मेरी तरह सोचती है? कौन है वो लड़की? विकी बोल रहा हूं, क्या तुम मैगी बोल रही हो? हेलो। हे, वेयर आर यू? तुम कहां हो? कॉफी शॉप के सामने। गॉटचा। तुम कहां हो? ढूंढ लो। मैं वही काम करती हूँ जो मुझे पसंद हो, मैं किसी से ऐवे नहीं मिलती, उसमें डेफिनेटली कोई स्पेशल बात होनी चाहिए। ये तुम्हारा टेस्ट है, ये जानने के लिए कि तुम में कुछ स्पेशल है कि नहीं। ऑलराइट, मैं तुम्हें 5 मिनट देती हूँ, मुझे ढूंढ सको तो ढूंढ लो। 3 मिनट में ढूंढ लिया तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम? एक्सक्यूज मी, यहाँ पर मेरे और तुम्हारी तरह बहुत सारे इंडियंस हैं, इतना आसान नहीं होगा। 2 मिनट काफी रहेंगे। आई विल वेट।
लेकिन दो मिनट में नहीं ढूंढा तो हम कभी नहीं मिलेंगे, ओके? What? कुछ नहीं. Hi Maggie. Your time is up. मैम आपका ऑर्डर. पर मैंने तो ऑर्डर नहीं किया. मैंने ऑर्डर किया. What? दो मिनट पहले. एप्पल पाई, चोको पाई और मिनरल वाटर. मैं जानता हूँ तुम्हें पसंद है. वो कैसे? सिंपल. हम दोनों एक ही ब्रांड का परफ्यूम यूज करते हैं, एक जैसे वीडियो गेम्स खेलते हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट स्पेशल लोगों से मिलने व्हाइट कपड़े पहन कर जाते हैं. पहले क्यों नहीं बताया? मुझे पता है कि तुम्हें भी मेरी तरह हारना पसंद नहीं, तो तुम भी जीत गई, मैं भी जीत गया. मैं तो उस लड़की को देखने गया था जो मेरी तरह सोचती है, लेकिन मुझे उससे मिलते ही पता चल गया कि ये लड़की मेरे लिए सही है. ये भी वही करती जो उसे पसंद है, बिल्कुल मेरी तरह. हर बात में एडजस्ट करना इसका स्टाइल नहीं है. हमारी दुनिया एक जैसी है. तो अब क्या? डेट पर चलें? क्या अभी मिले और अभी डेट पर जाना है? हाँ? देखो 40 देश, 200 एयरपोर्ट्स और 6.5 लाख लोगों के बीच हम दोनों ही हैं जो मेड फॉर ईच अदर कॉन्टेस्ट जीते हैं. इंडियन है और एक ही शहर में रहते हैं. देखो मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा, बट जरा सोचो एक ऐसा मौका जो 6 लाख लोगों ने गवा दिया. क्या बहुत मजा आएगा? क्यों? Ha ha ha.